और जिसके लिए आकाशवाणी होती है उसके मन में पूरी की पूरी बात ठीक उस तरह प्रवेश करती है जिससे जैसे पत्थरों पर अक्षर खोद दिए जाते हैं। वहां कोई शब्द नहीं, आपके कान भी नहीं सुनते, बोलने वाला मुंह से बोलता भी नहीं। वो ईश्वरीय सत्ता या शक्तियां जो ईश्वर तुल्य हैं, वो जब किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, संप्रेषित करना, जिसको आकाशवाणी बोलते हैं, संप्रेषित करना चाहती हैं, तो कोई शब्द नहीं होते और हमारे आपके कान भी नहीं सुनते। वहां नाक का, ज्ञानेंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है। ये ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क का माध्यम है, ये आकाशवाणियां सीधे मस्तिष्क को जाती हैं, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आप उसको वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप कहो की किताब पढ़ते हैं, वहां शब्द नहीं। शब्द ध्वनि की तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे तरंगे जब एक लेवल के बाद बंद होंगी तो ये भी बंद हो जाए। जी, बहन सपना रानी पटना सिटी से हैं। हम तीन सूत्र करते हैं जिसमें तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से शिव को गुरु को प्रणाम करना, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्राण मंत्र है। तो ये प्राण मंत्र कैसे है, इसका अर्थ कृपया समझाने दया करें। प्राण मंत्र यानी वो आपके जीवन का सब कुछ है, वो जपकर्ता के जीवन का सब कुछ है। कोई भी मंत्र जब निरंतर आपको अपना बनाता जाता है या आप उसको अपना बनाते चले जाते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है प्राण मंत्र में। उसी को कहा जाता है प्राण मंत्र, यानी उसके अलावा किसी मंत्र की कोई कीमत नहीं होती। और वही प्राण मंत्र बाद में सभी मंत्रों का समेकित रूप हो जाता है, और जप करता या साधक अपने प्राण मंत्र से ही यथासंभव अपने काम निकाल लेता है, लौकिक हो या परलौकिक। नमः शिवाय तो प्राण मंत्र है ही, क्योंकि मंत्रों का नियम है कि ये देवताओं का नाम है। हर एक देवता का एक नाम होता है जिसको मंत्र कहते हैं। मंत्र की परिभाषा है कि हर एक देवता का ये नाम है जिसका मनन किया जाता है, उसमें शक्ति छिपी होती है। मंत्रों में चैतन्य छिपा होता है, मंत्र तो शब्द है वर्ण है, मंत्रों में शक्ति छिपी होती है, मंत्रों में चैतन्य छिपा होता है, शब्दों में अर्थ छिपा होता है, चैतन्य छिपा होता है। आप किसी को गाली दे दीजिए, ये तो शब्द है लेकिन इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे। देखिए उस मंत्र के, उस गाली के चैतन्य को वो आदमी जानता है, इसलिए लाठी लेके आपके ऊपर पड़ गया। अगर मंत्र के चैतन्य को नहीं जानता, मंत्र के अर्थ को नहीं जानता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से हर एक मंत्र का एक देवता होता है, देवताओं का नाम है, शक्तियों का नाम है, और उल्टा हर एक नाम का एक देवता, हर एक नाम का एक देवता होता है, हर एक देवता का एक नाम होता है। मंत्र देवताओं के नाम है, उनके बीच में, उनके स्वरूप में शक्ति छिपी छिपी होती है, चैतन्य छिपा होता है, अर्थ छिपा होता है। कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ऊपर खींचता है, जितनी उसकी सीमा, उस देवता की सीमा, मंत्र उतने ही दूर तक ले जा सकते हैं जितनी दूर तक उस देवता के मंत्र के देवता की सीमा है, उसके ऊपर नहीं ले जा सकते। नमः शिवाय तो शिव का मंत्र, वो तो महेश्वर ईश्वर है। तो हमने कहा कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है, ये आपको शिव तक ले जाता है, ये शिव के शिव का मंत्र है, शिव से जुड़ा हुआ है। तो शिव से जुड़ा हुआ है यानी सबसे बड़ी सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो मंत्र तो बड़ा होगा ही, महामंत्र होगा ही, मंत्रों का राजा होगा ही। और इसी को प्राण मंत्र भी बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बहुत पहले से कह रहे हैं कि नमः शिवाय प्राण मंत्र है, इसको अपने प्राण में समेटो, अपने प्राण के चारों ओर इसको लाओ, इसका जप करो, इसका मनन करो। मंत्र का मनन होता है, मन जिसको बार बार दोहराए, मनन होता है। जी भाई, आरके दुबे जी हैं सूरत गुजरात से। इन्होंने कहा है कि एक आपके जीवन में लिखी हुई एक पुस्तक अनमिल आकर इनको प्राप्त हुई, इसमें उस पुस्तक का जो शीर्षक है, मतलब उस पुस्तक का जो नाम है अनमिल आखर, इस शब्द का अर्थ क्या है? सीधा है, अनमिल जो मिलने खाता है,
अनमिल अवधि भाषा है, अनमिल जो मेल नहीं खाता, बिना मेल के है। आखर मन अक्षर, अक्षर को अवधि भाषा में कहा जाता है आखर, अनमिल आखर। ऐसे अक्षर हैं, ऐसे वर्ण हैं जो मेल नहीं खाते। आदमी को लगेगा कि उटपटांग है ये सब कुछ, इसको कहते हैं अनमिल आखर, यानी अक्षर बेमेल। कि आपने बहुत बार कहा है कि ज्ञान के कांटा से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है और दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, जबकि लोगों के अंदर तो ये समझ है कि ज्ञान को रखना चाहिए, तो ये ज्ञान क्या है और क्यों उसको फेंक देना चाहिए? मैंने अपने, मैं 71 साल का हो गया हूँ, मेरे घर में भी परिवार में भी बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं। मैंने देखा है कि उनका ज्ञान उनके लिए कांटा बन गया है, कंटक हो गया है, और बाकी चीजें तो धीरे धीरे आपको आपकी खत्म हो सकती हैं। जैसे पहलवानी का शौक बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में गठिया हो जाता है, रोग हो जाते हैं शरीर से। फिर मैंने एक बहुत बड़े पहलवान से मैं मिला, आया था मुझसे मिलने, बेचारा सीढ़ियों को नहीं उतर पाया, मैंने पकड़ के दूसरों से उनको सीढ़ियों पर उतरवाया। क्या स्थिति, इतना बलशाली आदमी अपने जमाने का, क्या हो गया? व्यक्ति की सुंदरता कितने दिन, उम्र घट ढलेगी, सुंदरता खत्म। इन ज्ञान की जो पकड़ है ना, वो नहीं खत्म होती है, अंत अंत तक रह जाती है। जो ज्ञानी है वो अंत अंत तक आपको ज्ञान बगाड़ेगा और आपकी सुनेगा ही। इसीलिए ज्ञान के कांटे से अज्ञान, अज्ञानता तो और बुरी चीज है, ज्ञान के कांटे से अज्ञानता का कांटा निकाला जाता होगा। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, देहात में जब लोग पांव चप्पल चलते थे और बबूल वगैरह का कांटा पांव में गड़ जाता था, तो दूसरे बबूल के कांटे से उस कांटे को निकाला जाता था। आप पॉकेट में रख लीजिएगा, पॉकेट में रखिएगा तो जिससे निकालें वो गड़ेगा, यानी दोनों कांटे फेंक दिए जाते थे। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकालो और दोनों को फेंको। ज्ञान कोई काम नहीं देगा, सब बेकार हो जाता है। काम देते, काम आपको हमको देगा बस वही, याद नहीं अब कुछ, भूल गई सब कुछ, एक बात मगर नहीं भूली, जूली आई लव यू। ठीक है, ये फिल्म का गाना है, लेकिन शिव से जो प्यार होगा, शिव रूपी ज्ञान जो हम में आप में आएगा, शिव से जो प्यार होगा, भगवती से जो प्यार होगा, वही ज्ञान आपको उस शिव तक ले जाएगा, पूरी दुनिया से ऊपर करेगा, जगत से ऊपर करेगा, जगत के बंधनों से मुक्त करेगा। बाकी ज्ञान तो चुभेगा और ऐसा चुभेगा कि मरने की स्थिति में नहीं निकलेगा वो। अज्ञान तो निकल जाएगा कांटा, ज्ञान का कांटा नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा दर्द देगा, मरने तक ये दर्द देता है, क्योंकि मात्र शिव का ज्ञान ही जो दया से भींगा होता है, मात्र शिव रूपी ज्ञान ही हमको आपको आनंद देता है, आनंदित करता है, परमानंदी बनाता है। ताकि आपके निर्देश में लगातार पर्यावरण संरक्षण पे हम सभी शिष्य से भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और आगे इसी महीने में 17 जून को दीदी नीना बालन जी की पुण्यतिथि भी है, उसके अगले महीने में उनकी जन्मतिथि भी है, और पिछले वर्ष हम लोगों ने उनके जन्म पे यानी कि 27 जुलाई को एक सप्ताह का वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया था, लेकिन अब दुनिया की स्थिति दूसरी है इस वर्ष, क्योंकि हम समूह में नहीं निकल सकते, वृक्षारोपण के लिए सामूहिक प्रयास नहीं कर सकते। तो मेरी जिज्ञासा भी है और एक प्रस्ताव भी, अगर आपका निर्देश हो
तो क्या हम लोग 17 जून से 27 जुलाई के अंतराल में अपने आंगन में, अपने बालकनी में या अपने घर के एक छोटे से गमले में भी इस कार्य को करें कि हाँ हर लोग पौधा लगाएं और दीदी के लिए सबसे सुंदर श्रद्धांजलि यही होगी। पेड़ तो लगाइए हम आप जरूर, लोगों को जागृत भी करना होगा, मोबाइल पर करिए, पेड़ लगाएं, वो गमले में लगाएं, हाथे में लगाएं और सड़कों पर लगाएं। ऐसा थोड़ी है कि सड़क पर पेड़ लगाने के लिए मजमे की जरूरत, मात्र एक दो आदमी पेड़ लगा सकते हैं और बारिश का मौसम आ ही रहा, पेड़ बच भी जाएंगे। ऐसे पेड़ लगाएंगे तो हम लोग को सिंचाई करनी पड़ेगी, पानी देना होगा, बारिश में तो प्रकृति पानी देती है। पेड़ तो लगाएं ही लगाएं, अन्यथा एक दिन बाबू हम लोगों के पोते पोतियों को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके शहर में घूमना होगा, होशियार हम लोगों को होना होगा, लोगों को जागरण जागृत करना होगा, भाषणबाजी से नहीं होगा। चलिए प्रणाम।